की बड़ी खबर का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी से जुड़ा मामला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। पीसीसी संगठन के मुख्यालय प्रभारी राम सिंह कसवा ने एफआईआर दर्ज करवाई है और संजय सर्कल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी से जुड़े हुए मामले पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर प्रेस वार्ता कर पहले ही साफ कर दिया था कि इस पर कानूनी लड़ाई वो लड़ेगी क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पर एफआईआर दर्ज कराई है। पीसीसी संगठन के मुख्यालय प्रभारी राम सिंह कसवा ने एफआईआर दर्ज करवाई है और संजय सर्कल थाने में एफआईआर को दर्ज कराया गया है। मुख्यालय प्रभारी पीसीसी संगठन के हैं राम सिंह कसवा। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में अगर कहीं पर भी किसी भी बयान के जरिए उनकी जान पर खतरा पार्टी को प्रतीत होता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई का जिक्र गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही किया था और एआईसीसी की ओर से भी साफ किया गया था कि इस मामले को सिर्फ आया गया नहीं बनाया जाएगा, ना इसको इस तरह से किया जाएगा कि किसी ने बयान दिया, किसी ने धमकी दी और भूल गए। इस पर पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहेगी। और पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, एफआईआर दर्ज हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने के मामले की धमकी जब मिली उस मसले पर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से एआईसीसी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ बोला गया सोशल मीडिया में, जिस तरह से वायरल हुआ है, मणिकांत राठौड़ और एफआईआर में मदन दिलावर के भी नाम है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हवाले से एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में एक तरह से कहा जाए तो एससी एसटी की धाराएं हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बड़े दलित नेता है जी। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चिंता जताते हुए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है, चिंता जताते हुए ये एफआईआर दर्ज कराई है कि जो भी धमकी दे रहे हैं, जो भी इसके पीछे है और जिन्होंने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आहत करने का या उनको उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का काम किया है, उनको खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इस तरह के घटनाक्रमों को रोका जाए। सोशल मीडिया को पूरा हवाला देते हुए और पूरे उस घटना को बताते हुए एफआईआर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन के प्रभारी सचिव राम सिंह कसवा ने एफआईआर दर्ज कराई है जी। और भी कई जगह देश में इस तरह की एफआईआर हुई है और अब राजस्थान की कांग्रेस कमेटी, क्योंकि संगठन प्रभारी सचिव ऑफिशियल कैटेगरी होती है और एक तरह से कहा जाए अगर वो एफआईआर दर्ज करा दें तो इसका मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राम सिंह कसवा ने ये एफआईआर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर बयान दिए हैं या जान से मारने की धमकी देने के जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर ही दर्ज कराई है। अब आगे राजस्थान की पुलिस क्या स्टेप उठाती है ये देखना होगा जी। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि उम्मीद तो यही है, लेकिन देखिए कहीं आपको लगता है, क्योंकि देखिए चुनावों का दौर चल रहा है और चुनावी सभाओं के दौरान कई बार जनप्रतिनिधि भी भावावेश में आकर या फिर बेटों के बयान भी दे देते हैं और ऐसे में जब काउंटर किसी चीज पर होता है तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, लेकिन कानूनी सहारा उसका लेना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खासियत कही जाती थी कि हर एक मुद्दे को, एक शब्द को भी पकड़कर कानूनी सहारा। और अब कांग्रेस पार्टी भी ये समझ चुकी है कि अगर इस तरह की बातें सामने आती है ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बल्कि पार्टी संगठन या फिर किसी भी सभा के दौरान, तो उस पर इस तरह के मामले दर्ज होंगे आगे भी। देखिए, पूरी तरह ये मसला कर्नाटक चुनाव अभी चल रहे हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिक वातावरण इस वक्त इस तरह की घटनाओं से अपने उबाल पर जी। राजस्थान की कांग्रेस कमेटी ने अपनी ओर से दर्ज कराने के बाद ये जताया है कि किस तरह से प्रत्येक कांग्रेसी अपने अध्यक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर आहत है और शंकित भी है कहीं उनके। योगेश जी, आपको रुकना चाहेंगे इस वक्त, हमारे साथ में पीसीसी संगठन के सदस्य राम सिंह कसवा जी जुट गए हैं। राम सिंह जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका, धन्यवाद आपका भी। सर, एफआईआर दर्ज करवा दी है आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो जान से मारने की धमकी मिली थी, इस पर कुछ जानकारी इस पर दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है जो मणिकांत राठौड़ और मदन दिलावर जी के खिलाफ एफआईआर है और अन्य लोगों के खिलाफ है और उसमें
क्या है कि उन लोगों ने उनको जान से मारने की षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र को उन्होंने डिस्क्लोज किया है। उन्होंने कहा है कि उनके मोबाइल नंबर मिले और उनके परिवार को पूरे को खत्म कर दूंगा, तो उसी के तहत हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है राम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। सुन रहे थे आप, क्योंकि FIR अब दर्ज हो चुकी है और चुनावी साल चुकी चल रहा है और बयानबाजी के दौरान अब जब ऐसी कोई भी बातें सामने आएंगी, भले ही वो सदन में हो, सड़क पर हो, लेकिन इस तरह की बातों का फिर नतीजा कहीं ना कहीं ये भुगतना पड़ सकता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, उन्हें FIR की कॉपी फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी से जुड़े हुए मामले पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से FIR दर्ज करवा दी गई है। मुकदमा दर्ज हो चुका है और बाकायदा इस मुकदमे को दर्ज करवाने के बाद में अब आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, क्योंकि PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था कि ICC में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिल्कुल ठीक उसी तरह से आगे वाले दिन में भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे।